यह कहानी रेखा की है। रेखा के माता पिता के मरने के बाद वह अपने चाचा चाची के पास रहती है। उसके चाचा जी रेखा को बहुत प्यार करते थे। रेखा बहुत ही शांत और समझदार थी। वह दूसरों की मदद करने वाली थी। लेकिन रेखा की चाची रेखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रेखा की चाची एकदम आलसी और कामचोर और लालची थी। वह घर का सारा काम रेखा से ही कराती थी। रेखा की चाची कुसुम अपनी बेटी नैना को बहुत प्यार करती थी। नैना बहुत ही घमंडी और बदतमीज और जिद्दी लड़की थी। कुसुम अपनी बेटी को स्कूल पढ़ने भेजती है, लेकिन रेखा को नहीं। तो क्या करेगी स्कूल जाकर? तो स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? पर चाची जी, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे स्कूल जाना है। चुप कर, जाकर नाश्ता बना, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, तो स्कूल नहीं जाएगी। फिर कुसुम अपने कमरे में जाती है। रेखा नाश्ता बनाकर कुसुम को देने जाती है। रेखा किचन में काम कर रही थी, तभी अचानक उसके हाथ से एक बर्तन टूट जाता है। बर्तन टूटने की आवाज सुनकर, अरे कलमोही, अब क्या तोड़ दिया? जब देखो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करती ही रहती है। कुसुम किचन में आती है। अरे कलमोही, अपने माँ बाप को तो तू खा गई और वो तुझे छोड़ गए हमारी छाती पर। जब देखो कुछ ना कुछ काम बिगाड़ती ही रहती है। चली जा, कहीं जाकर मर जा। जैसे तेरे माँ बाप मर गए, वैसे तू भी मर जा। रेखा रोते रोते एक जंगल की तरफ जाती है। मम्मी पापा, अगर आप जिंदा होते तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। चाची जी मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, आप मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? चलते चलते रेखा ने देखा, दो जंगली जानवर चिड़िया के बच्चे को खाना चाहते थे और उसे डरा रहे थे। यह देखकर रेखा ने एक पत्थर उठाकर जंगली जानवरों को मारकर भगाया। तभी वहां चिड़िया आ जाती है और रेखा का धन्यवाद करती है। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, मैं तुम्हें उपहार में कुछ देना चाहती हूँ। ये लो जादुई घर, इस घर में तुम्हारे जरूरत का सामान सब चीज मिलेगी। लेकिन हाँ, याद रखना, अगर तुम लालच करोगी तो यह घर अपने आप नष्ट हो जाएगा। रेखा घर के अंदर जाती है और चिड़िया को धन्यवाद करती है। घर अंदर से बहुत शानदार था। रेखा को फिर अपने चाचा चाची की याद आती है और वह घर लौट जाती है। घर जाकर वह अपने चाचा चाची को अपनी सारी बात बताती है। रेखा के चाचा चाची उस घर को देखने जाते हैं। अगर हम यहाँ से कोई चीज लेकर जाएंगे या मन में लालच रखेंगे तो यह घर अपने आप नष्ट हो जाएगा, और जो भी इंसान लालच करेगा वह घर के साथ गायब हो जाएगा। रेखा की चाची रेखा की बात को अनसुना करके घर के अंदर जाती है और घर को देखकर बहुत चौंक जाती है। इतना सारा सोना, इतनी सारी चांदी, इसको अगर मैं अपने घर ले जाऊंगी तो मैं माला माल हो जाऊंगी। जैसे ही वह सोना चुराती है तभी उसे करंट लग जाता है और वह जादुई घर के साथ साथ गायब हो जाती है। यह देखकर रेखा बहुत रोने लगती है और चिड़िया को याद करती है। तुम्हारी चाची ने लालच किया था, इसीलिए वह
घर के साथ गायब हो गई। प्लीज चिड़िया रानी, मेरी चाची को वापस ला दो। एक वही है जो मेरा सब कुछ है। फिर चिड़िया रेखा की चाची को वापस लाती हैं। यह सब देख रेखा की चाची चिड़िया से और रेखा से क्षमा मांगती है। मुझे माफ कर दो, अब मैं लालच नहीं करूंगी। और रेखा बेटी, मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगी। लालच करना बुरी बला है, यह मुझे समझ आ गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।